हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक ना क्वेश्चन आया यार कुछ बच्चों का, जैसे मैं बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह आपके देखते रहता हूँ, तो उसमें से एक बच्चे ने क्वेश्चन फॉरवर्ड किया। ये बहुत बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, न जाने कितने टीचर्स ने इसका आंसर दे भी दिया होगा और अभी तक आपको आंसर मिल भी गया होगा। स्टिल क्या है ना, बच्चे अपने यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। अब ऐसे जैसे आप कभी फाउंडेशन में थे, अब आप एग्जीक्यूटिव में आ गए, फिर आप फाइनल में आ जाओगे, फाउंडेशन में नया बच्चा आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री वाले आ जाएंगे, इंटर में डायरेक्ट एंट्री वाले आ जाते हैं, ऐसा होता है कहना सर। अच्छा अब एनीवेज, सबसे पहली बात, क्या ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं, क्या ये कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करेंगे? चलो आप मेरे को एक बात बताओ, सीए को पकड़ लेते हैं, सीए सीएस सीएमए तीनों के लिए एप्लीकेबल है। कहना एक बच्चा सीए बनता है सर फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनता है, यस। एक बच्चा सीए बनता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, किसी भी पेपर में फेल नहीं होता है, वन शॉट पास। अब आता है दूसरा स्टूडेंट, अब आता है दूसरा स्टूडेंट, यहां पर इसको इसका है फिफ्थ अटेम्प्ट, सीए ये भी बना है बट इसका फिफ्थ अटेम्प्ट है। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हायर करना चाहता है, वो किसको देखेगा पहले? सर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को, ये तो आप कह रहे हो ना सर, ये तो आप कह रहे हो ना। हाँ ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट से आपको कहीं ना कहीं नंबर ऑफ, पहले देखो मैटर सिर्फ यही करेगा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, वो स्किप सब उसके बाद। मेरे ओपिनियन के हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। मैंने कहा यार कि सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट की अलग पोजीशन होती है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, सारे एक बराबर होते हैं, ओके। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तब तो बहुत अच्छी बात है, जान लगा देना, पास हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद एंड सो ऑन, आपका कोई भी अटेम्प्ट है तो सिर्फ एक चीज मैटर करेगी जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को भी पीछे छोड़ सकते हो, दैट इज ओनली अबाउट नॉलेज। सर आपको नॉलेज कितनी है, आपके पास कितना पढ़ा है आपने, कितनी पढ़ाई आपने करी है, कितनी पढ़ाई आपको आती है, वो पढ़ाई दिखानी होती है। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पास स्टूडेंट हूँ, ठीक है, इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आंसर नहीं कर पाता, एक बच्चा आया है जिसका अटेम्प्ट जिसके चार हो चुके हैं, वो फटाफट से आंसर करता है, उसको जॉब मिल जाएगी। उस टाइम पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपको काम आता है, नॉलेज के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी मैटर करता है कि आपकी इंटर्नशिप असली है या नकली है। ध्यान रखना, इसको असली रखना, काम आना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहली बात नॉलेज, अब वो नॉलेज आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके आ जाए, सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, फोर्थ में आ जाए, फिफ्थ में आ जाए, जितनी स्ट्रांग आपकी नॉलेज होगी उतना ही स्ट्रांग आपको आगे करियर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत आसान चीज है सर। क्या कहीं ना कहीं, अच्छा अगर अब मैं आपको बोलता हूं कि दो बच्चे हैं, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों का लेवल ऑफ नॉलेज सेम है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट है और ये कहीं ना कहीं इसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा लग गए, इसको 10 अटेम्प्ट लग गए, 5 अटेम्प्ट लग गए, 6 अटेम्प्ट लग गए, तो इसको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट पास स्टूडेंट को सब देखते हैं कि ठीक है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया हो, आ जाओ जी आप तो बहुत होशियार हो, बट अगर आपकी नॉलेज उससे ज्यादा है तो सर मजा आ जाएगा। पहली बात आती है कि ठीक है ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट है, ठीक है, वो बड़ा बड़ा मेंशन करेगा वहां पे, मैं लिखूंगा कि मैं चार तीन क्या कहते हैं 3 बारी में पास हुआ अपने सीएस फाइनल में, क्लियरली बोलते हैं अपन, यार झूठ क्या बोलना बच्चे को, राइट? कह रहे सर ओके, अपन क्लियरली बोल रहे हैं कि यार अपन 3 बारी में पास हुआ है, बट द वेरी फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स इज नॉलेज। हाँ कहीं ना कहीं ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर आपका फर्स्ट सेकेंड है तो कहीं ना कहीं ये एक एडेड एडवांटेज जरूर देता है आपको, बट पहली रिक्वायरमेंट जो हमारे प्रोफेशंस में डिमांड होती है दैट इज ओनली अबाउट नॉलेज। वो एक एडेड एडवांटेज जरूर दे देता है, आपने शर्ट डाली है, फर्स्ट क्लास कपड़े डाले हैं, आपने टाई लगा दी, दैट इज एन एडेड एडवांटेज, एक एडेड पर्क मिल गया आपको। कह रहा हाँ मिल गया, बस बस वो एक पर्क ऐड कर देता है। हाँ ठीक है सर, हमारे वहां यहाँ पे होता है सर फर्स्ट अटेम्प्ट, सर रैंक होल्डर्स होते हैं सर। हाँ रैंक होल्डर्स होते हैं, रैंक होल्डर्स कैसे होते हैं, आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए, तीनों ग्रुप साथ में दिए, आप ले लो ना रैंक सर, 5वीं बारी पेपर तो तीनों पेपर साथ में तो निकाल दो रैंक, कोई दिक्कत थोड़ी है। इंस्टीट्यूट ये थोड़ी कह रहा है जो पहली बारी देगा वही रैंक लेकर आएगा, इंस्टीट्यूट तो कह रहा है कि आपका 5वां अटेम्प्ट है, 5th आपका अटेम्प्ट है, आपके फाइनल में 8-9 पेपर है, आप 8-9 इकट्ठे तो सबसे ज्यादा नंबर ले आओ, मैं आपको रैंक दे दूंगा। याद रखो सबसे पहले मैटर करता है नॉलेज, कितना आपको आता है,
तो इसलिए कितना आता है ये कैसे पता चलेगा, नंबर कैसे आएंगे, मॉड्यूल पढ़ के आएंगे बेटा, मॉड्यूल पढ़ के आएंगे, मॉड्यूल की लैंग्वेज हार्श है, ये है वो है, चलता रहता है। इतना आसान भी तो नहीं होता ना, इतना आसान होता तो फिर तुम लोग हमारे को पैसे थोड़ी देते। ठीक है, बस दैट्स इट, वी आर डन फॉर, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।